नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मथुरा में 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी से पहले ही कान्हा की नगरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ब्रज के मंदिरों की सजावट देखते ही बन रही है। रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाते मंदिरों को देख एक अलग ही अनुभूति का एहसास हो रहा है। वहीं शहर के प्रमुख चौराहों की सजावट भी जिला प्रशासन द्वारा अच्छे से कराई गई है और LED स्क्रीन लगाकर ब्रज के प्रमुख मंदिरों और तीर्थ स्थलों का नजारा आने वाले श्रद्धालुओं को दिखाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि COVID-19 के चलते पहले 2 साल से कान्हा की नगरी में श्रद्धालुओं के लिए जन्माष्टमी पर्व पर मंदिरों में प्रवेश बंद था, पर इस साल श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश मिलने से और अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाने की छूट मिल चुकी है, जिससे ब्रजवासियों और आने वाले श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिला प्रशासन द्वारा जन्माष्टमी पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साज सजावट जो है वो भी चाक चौबंद कर ली गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हुए हैं। मथुरा से तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खासा तैयारियां की जा चुकी हैं। तो सभी मंदिर जो हैं वो रोशनी और फूलों से सज चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो बाजार हैं वो भी सजे हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आई हूँ जयपुर से। वहाँ हमारे श्री श्री राधा मोहन देव जी हैं और रूप गोस्वामी जी ने उनकी स्थापना की है। और हम जन्माष्टमी से पहले आए लाला को यहाँ उनकी गायक नहीं है तो सज रही है, जैसे कि राजधानी से सज रही है। लाला को यहाँ की द्वार के अधीश बन गए थे, तो फिर आकर के तंत्र जी का वध करके फिर विश्राम घाट को विश्राम की जमुना महाराज रानी बनाए और फिर यहाँ की द्वार का अधीश राजा कहलाए। पर याद करते रहे वृंदावन को, याद करते रहे जमुना जी का तट राधे जी और सभी गोपियाँ सखियाँ सबको याद करते। किस तरीके से भगवान कृष्ण के जन्म की बधाइयाँ गाएंगे आप? बधाई को ऐसे याद है, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद की आनंद में, जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद में। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर किस तरह की धूम देखने के लिए मिल रही है, मेरे सहयोगी ने जायजा लिया है, आइए देखते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ मथुरा में, जहाँ पर कंस टीला बना हुआ है, जिसको वह स्थान बताया जाता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था। मैं आपको दिखा दूँ, ये वो अखाड़ा है, ये वो दंगल का अखाड़ा है जिसको कंस टीला अखाड़ा कहा जाता है। और यहाँ पर जिस तरह आज से हजारों साल पहले कंस के जमाने में जब अक्रूर जी कृष्ण जी को कृष्ण बलराम जी को नंदगांव से यहाँ लाए थे, उस दौरान कंस के दंगल में और उसके स्वयंवर में कई बड़े बड़े पहलवानों का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, जिसका कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो बना हुआ है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं ये बीच में कंस है और इनके एक तरफ बलराम जी हैं तो दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने इसी जगह पर कंस के बालों को पकड़ कर पछाड़ा था, जिससे कंस का वध हुआ था। ये आप साफ देख सकते हैं कि इस तरह की जो लीला है मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, वो जगह जगह देखने को मिलती है। उन्हीं में से जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण जमीन पर जन्म हुआ था और कंस का यहाँ वध हुआ था, तो ये एक बहुत ही प्राचीन स्थान है जिसको हम आज आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के जो सेवाएं थे, यहाँ के जो रहने वाले हैं डब्बू जी, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या कहानी है और किस तरह से इसकी जानकारी होता है। ये कृष्ण के जन्म से पुराना स्थान है जिसको कंस ने बिल्डअप किया। ये रंगभूमि के नाम से जाना जाता है। मथुरा में दो ही भूमि है, एक कृष्ण जन्मभूमि, दूसरी रंगभूमि। कंस के इस अखाड़े को रंगभूमि कहते हैं, जहाँ कंस ने दंगल का आयोजन किया और उसमें कृष्ण बलराम को अपने पहलवानों से मरवाने का कुचक्र रचा और उनको लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी उन्हें लेकर के यहाँ आए। कृष्ण बलराम ने यहाँ सल तोसल चांडूल मांडूल नाम के पहलवानों को मारा और कुवलिया पीड़ हाथी को मारा और कंस का वध किया यहाँ पर। तो आपने देखा कि ये डब्बू जी हैं, साफ बताते हैं कि यहाँ पर ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। तो मथुरा से जुड़ी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी ऐसी ही और रोचक कहानियाँ और खबरों को हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। सुरेश सैनी, मथुरा।
वहीं बरेली के थाना कैंट पुलिस ने दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया जो फर्जी पुलिस बनकर चेकिंग अभियान चला रहे थे। बता दें कि पुलिस ने इन दोनों को तब गिरफ्तार किया है जब दोनों युवक कैंट क्षेत्र में नकली पुलिस वाले बनकर सड़क पर खुलेआम आम जनता की चेकिंग कर रहे थे। तभी पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर दोनों फर्जी पुलिस वालों को मौके पर पहुंचकर अपनी हिरासत में ले लिया। हालांकि दोनों आरोपियों ने पुलिस को आता देख मौके से फरार होने की कोशिश की थी पर कामयाब नहीं हो सके। दोनों युवकों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तब दोनों ने बताया कि हम यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे थे। पकड़े गए युवकों के पास से पुलिस की दो जोड़ी वर्दी, दो स्टार बेल्ट, नेम प्लेट, ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। पकड़े गए युवकों का ये भी कहना है कि भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। दोनों युवकों के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जाती है। तो पूरा मामला बरेली का, जहां फर्जी पुलिस बनकर आम जनता की चेकिंग करते हुए ये युवक जो हैं नजर आ रहे थे, इनके पास से तमाम तरीके के सामान भी बरामद किए गए हैं, लेकिन पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया है। तो बरेली के थाना कैंट पुलिस ने दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया जो फर्जी पुलिस बनकर चेकिंग अभियान चला रहे थे। जानकारी आपको दे दें कि पुलिस ने इन दोनों को तब गिरफ्तार किया जब दोनों युवक कैंट क्षेत्र में नकली पुलिस वाले बनकर सड़क पर खुलेआम आम जनता की चेकिंग कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है, साथ ही साथ ये कहा है कि भविष्य में वो ऐसा कभी नहीं करेंगे और वो सिर्फ यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे थे और इसी वजह से वो लगातार फर्जी पुलिस जो है बने हुए थे। बिजनौर में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच का ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं इस पूरे विवाद में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। मामले में पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना चांदपुर के रसूलपुर नंगला इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो पक्षों की ये लड़ाई है और काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। दरअसल बिजनौर में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। वहीं इस पूरे विवाद में 6 लोगों के घायल होने की खबर है। मामले में पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना चांदपुर के रसूलपुर नंगला इलाके का एक पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ जो है वो नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है और दोनों पक्षों के लोगों को थाने ले आई है, इनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो बिजनौर की तस्वीरें, चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। दरअसल पहले कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद लाठी डंडे चलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जिसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने बीच बचाव कराने की कोशिश की लेकिन ये लोग नहीं माने और लाठी डंडे चलाते रहे, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों पक्षों को लोगों को लेकर थाने पहुंच गई है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी लड़ाई की वजह क्या थी। लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है वो ये जानकारी सामने आ रही है कि चुनावी रंजिश में ये लड़ाई हो रही थी। बिजनौर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा भीड़ जो है वो नजर आ रही है। आसपास के लोगों ने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी 6 लोग इस मारपिटाई में घायल हुए हैं। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे, किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हरदोई जिले से बाल विकास पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की भर्ती चल रही है, जिसके चलते ऑफिस के बाहर बेरोजगारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग किसी तरीके से बस अपना फॉर्म जमा करने की कोशिश में नजर आए हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार के निर्देश पर आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्त्रियों की सीधी भर्ती की जा रही है, जिसमें हरदोई का नंबर आते ही वहां लोगों की भीड़ ऑफिस के बाहर उमड़ पड़ी। वहीं जब हमारी टीम जिला कार्यक्रम अधिकारी के ऑफिस से जानकारी ली तो जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जिले में 1000 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की सीधी भर्ती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्धि मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 3 सितंबर है। ऐसे में लोगों की भारी भीड़ जो है वो नजर आती हुई दिखाई दी है। हरदोई की तस्वीरें, तो हरदोई की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर
ऑफिस के बाहर काफी ज्यादा भीड़ नजर आई है। दरअसल जिले से बाल विकास पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की भर्ती चल रही है, जिसके चलते ऑफिस के बाहर बेरोजगारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग किसी तरीके से बस अपना फॉर्म जमा कराने की कोशिशों में नजर आए हैं और तस्वीरें आप देख भी सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ यहां पर नजर आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि योगी सरकार के निर्देश पर आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्त्रियों की सीधी भर्ती की जा रही है, जिसमें हरदोई का नंबर आते ही वहां लोगों की लंबी लाइनें लग गई, ऑफिस के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं जब हमारी टीम वहां पहुंची और जिला कार्यक्रम अधिकारी के ऑफिस से जानकारी ली तो जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जिले में 1000 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की सीधी भर्ती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्धि मिश्रा ने जानकारी ये भी दी है और बताया है कि फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 3 सितंबर है। ऐसे में भीड़ जमा होना लाजमी था, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि हरदोई में कहीं ना कहीं बेरोजगारों की जो संख्या है वो बहुत लंबी है। इसी वजह से जैसे ये भर्ती निकाली गई है तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लोग यहाँ पर ऑफिस के बाहर जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई कोशिश कर रहा है कि उसका फॉर्म जल्दी से जल्दी जमा हो जाए, क्योंकि अंतिम तारीख 3 सितंबर बताई जा रही है, लेकिन भीड़ जो है वो लगातार नजर आ रही है। हरदोई की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आवेदिका को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के साथ साथ फॉर्म की हार्ड कॉपी भी मेरे कार्यालय में जमा करनी है। पेपर में इसकी विज्ञप्ति पहले ही प्रकाशित कराई जा चुकी है। आवेदन पत्र के साथ साथ आवेदिका को अगर वो बीपीएल श्रेणी का लाभ लेना चाहती है तो बीपीएल आय का सर्टिफिकेट, अगर वो अनुसूचित जाति का लाभ लेना चाहती है या पिछड़ी जाति का आरक्षण का लाभ लेना चाहती है तो उससे संबंधित जाति प्रमाण पत्र भी लगाने होंगे। वहीं मेरठ में दबंगों के हौसले कितने बुलंद है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दबंगों ने घर में घुसकर एक अधेड़ की हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद हथियारों से लैस बदमाश मौके से फरार हो गए। पूरा मामला मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के चिंदौड़ी गांव का है, जहां 47 साल के मनोज की उनके ही घर में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। वहीं इस हत्या से गांव में हड़कंप का माहौल है। मृतक के परिजनों की माने तो 3 लड़के घर में जमीन खरीदने की बात को लेकर दाखिल हुए, जहां मौका मिलते ही उन्होंने मनोज पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी अतुल का पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश भी चली आ रही है, जिसे हत्या की वजह माना जा रहा है। वहीं मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मेरठ का एक पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मेरठ में यहाँ एक व्यक्ति के घर में बदमाश घुस आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और मौके से आसानी से फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि मेरठ में भी दबंगों का कहर कम नहीं हुआ है। यानी पुलिस भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन दबंगों के हौसले अब भी उतने ही बुलंद हैं। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दबंगों ने घर में घुसकर एक अधेड़ की हत्या कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद हथियारों से लैस बदमाश जो हैं मौके से आसानी से फरार हो गए। पूरा मामला मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के चिंदौड़ी गांव का है, जहां 47 साल के मनोज के उन्हीं के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। इस हत्या से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक के परिजनों की माने तो 3 लड़के घर में जमीन खरीदने की बात को लेकर दाखिल हुए थे, जहां मौका मिलते ही उन्होंने मनोज पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और उसकी हत्या कर दी, आसानी से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी अतुल का पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मनोवर चौहान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोवर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मेरठ में भी क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मेरठ में अगर बात की जाए हत्याओं की, तो दो बड़ी घटनाएं कल मेरठ में सामने आई हैं, जहां एक पार्टी के जो पार्षद थे उनकी दिन दहाड़े गोली मारकर सरेआम सरे बाजार हत्या कर दी गई। और इस पूरी घटना के कुछ घंटों बाद ही जो पूरा मामला इंचोली थाना क्षेत्र के खिंदौड़ी गांव में आया, यहां पर सिपाही के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। और हैरत की बात यह है, इन हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इन हत्याओं को खोल पाने में पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। आपको बता दूं कि इंचोली के चिंदौड़ी गांव में पिता की मौत का बदला लेने के लिए ही
युवकों ने यूपी पुलिस से सिपाही की, यानी जो किसान थे वो उनके पिता थे सिपाही के। पर क्या पुलिस के हाथ बदमाशों तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि एक ही दिन में दो बड़ी घटनाएं हो गई। अगर इस घटना की मैं बात करूं, यहां पर घर में घुसकर, जैसा कि परिजनों ने बताया कि घर में दाखिल होते हैं बदमाश आसानी से और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और फरार हो जाते हैं। देखिए दोनों घटना जो पार्षद है उसकी मृत्यु में भी और मनोज की मृत्यु में भी, दोनों ही जो हत्याएं हुई हैं दोनों में पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस अपने सर्वेलांस के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेजों के माध्यम से आरोपियों को तलाशने की बात कर रही है, उनको तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा आरोपी हाथ नहीं आया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि पुराने रंजिशों के चलते हत्याएं की गई है और यही बात सामने आ रही है। आरोपी गिरफ्तारी के लिए टीमें एसएसपी प्रभाकर चौधरी बनाने की बात कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि पुलिस पूरी तरह से नाकाम है, क्योंकि इनमें से एक आरोपी बताया जा रहा है जिसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। हाँ बेशक, जो इंचोली वाली घटना है इसमें बताया जा रहा है कि जो पहले से आरोपी था अतुल कुमार, उस पूरे प्रकरण में जो दोनों की रंजिश चली आ रही थी। हालांकि हैरत की बात यह है कि रंजिश भी चली आ रही है, एक आरोपी पहले से क्रिमिनल भी है। ऐसे में इन क्रिमिनल्स का ना तो सत्यापन किया जाता है, ना तो उनसे पूछा जाता है कहाँ से आए हैं, कब जेल से छूटे हैं और क्या कर रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं लगातार जो हो रही है, कोई प्रोफेशनल किलर होता है वही हत्या कर सकता है। क्योंकि मेरठ में दो हत्याएं हुई हैं, दोनों हत्याएं जिस तरीके से हुई हैं ये सवाल खड़े करती हैं। जिस तरीके से पार्षद की कल गोली मारकर हत्या की गई है, उसमें तब तक गोली मारी गई जब तक उसकी मौत नहीं हो गई, और प्रोफेशनल किलर ही हो सकते हैं जिन्होंने मारा है। हालांकि पुलिस बात कर रही है कि उनको गिरफ्तार करेंगे और उनको पकड़ेंगे, लेकिन एक तरह से मेरठ पुलिस ये कहती है और कि हम पूरी तरह से क्राइम पर लगाम लगा रहे हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अगर एनकाउंटर करती है तो उसका भी पूरी तरह से बखान किया जाता है, मुठभेड़ होती है तो उसका भी पूरी तरह से बखान किया जाता है, अपनी पीठ थपथपाती है पुलिस। लेकिन कल इतनी बड़ी वारदातें दो हो गई हैं मेरठ में ही, लेकिन उसके बाद कहाँ है पुलिस? क्या पुलिस अब तक सो रही है? देखिए मुठभेड़ की अगर बात की जाए तो सबको पता है उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ का दौर तब से जारी है जब से उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की आई है। लेकिन बावजूद इसके जो क्राइम का ग्राफ है वो अभी तक भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया, कम नहीं हुआ है। पहले के मुकाबले क्राइम उतना ही है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस ने कुछ जो बदमाश थे, बड़े बदमाश थे, उनको ठिकाने लगाया, उनको गोलियां मारी, उनको जेलों में बंद कर दिया। बावजूद इसके कुछ नए क्रिमिनल्स पैदा होते हैं पुराने रंजिश के चलते या फिर चुनावी रंजिश के चलते, अब लगातार जो प्रकरण सामने आ रहे हैं वही क्राइम है, वही उसका ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि मेरठ में जिस तरीके के जघन्य दो अपराध हुए हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। मेरठ पुलिस की खासतौर से बात की जाए, खासतौर से वेस्ट यूपी की बात की जाए, तो यहाँ पर अगर एक छोटा सा भी कोई मुठभेड़ हो जाए तो उसको एनकाउंटर बना करके दिखाया जाता है और पुलिस अपनी पीठ थपथपाने में कोई और कसर नहीं छोड़ती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर परिजन जो आरोपी हैं उनको पहचानने का दावा करते हैं कि वो जानते हैं क्योंकि पहले से ही उनकी बातचीत थी उनसे। देखिए पुरानी रंजिश दोनों ही मामलों में जाहिर तौर पर परिजनों को मालूम है और परिजनों ने शायद इसी आधार पर अपनी तहरीरें दी है, लेकिन जो आरोपी है वो फरार हो चुके हैं। पुलिस कप्तान ने उन आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी है, टीमें रात भर दबिशें देती रही है, हालांकि सफलता हाथ नहीं लगी। क्योंकि एक आरोपी हत्या करने के बाद जिला जरूर बदलता है, हो सकता है आरोपियों ने जिले बदल दिए हो। इसी आधार पर जो सर्विलांस की टीम है वो भी लगाई गई है, सर्विलांस के माध्यम से भी एसएसपी प्रभाकर चौधरी और उनकी टीम जो है लगी हुई है। हालांकि दोनों ही घटनाओं के जल्द खुलासे की बात एसएसपी कर रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यहाँ पर यह भी है कि दिन दहाड़े दोनों ही हत्याएं जो दिन दहाड़े कर दी गई है। ऐसे में इन पूरे मामलों में एक चीज सबसे अहम ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी अगर हत्या हो या कोई हत्या करे तो उसको उसका विरोध करें, लेकिन यहाँ पर यह देखा गया जब पार्षद की हत्या की जा रही थी, गोलियां मारी जा रही थी, उसके बाद तक लोग वीडियो बनाते रहे, किसी ने भी पार्षद को ठीक अस्पताल के सामने गोली मारी गई थी। ठीक है, मतलब बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मेरठ से पूरा मामला सामने आया है जहाँ पर एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
सामने आई जहां पर एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल तीन बदमाश जो हैं वो घर में घुसते हैं और आसानी से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौके से फरार हो जाते हैं। इसमें अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि कल दो वारदात मेरठ में इतनी बड़ी हो गई, लेकिन पुलिस के हत्थे अब भी आरोपी नहीं चढ़ पाए हैं। जहां पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है, ये दावा करती है कि पूरी तरह से क्राइम का खात्मा करेंगे, लेकिन यहां पर पुलिस के हाथ खाली हैं। और इसी बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से मिल रही है, जो गाजियाबाद के जिला संयुक्त अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हुए हैं। जिला संयुक्त अस्पताल से ऑक्सीजन के 104 सिलेंडर चोरी बताए जा रहे हैं। सीएमएस डॉक्टर संजय तेवतिया थाने पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की गाजियाबाद से, सीएमएस ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये बहुत बड़ी जानकारी गाजियाबाद से इस वक्त की मिल रही है, जहां जिला संयुक्त अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए हैं। जिला संयुक्त अस्पताल से ऑक्सीजन के करीब 104 सिलेंडर बताए जा रहे हैं जो कि चोरी कर लिए गए हैं। सीएमएस डॉक्टर संजय तेवतिया थाने पहुंचे और वहां जाकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। गाजियाबाद से बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है, जहां पर जिला अस्पताल से जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो चोरी कर लिए गए हैं। जिला संयुक्त अस्पताल ही बताया जा रहा है, करीब 104 सिलेंडर है ऑक्सीजन के जो चोरी कर लिए गए हैं। फिलहाल अगर सीएमएस की बात करें तो वो तेवतिया पहुंचे हैं और थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। डॉक्टर संजय तेवतिया बताए जा रहे हैं जो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस तरह से अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हो जाते हैं। देखिए, अगर मैं कोरोना की बात करूं तो कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर दूसरी लहर की मैं बात करूं तो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान चली गई थी। ऑक्सीजन के लोग दर दर भटक रहे थे। ऐसे में सरकार द्वारा भी तमाम प्लांट्स तैयार किए गए, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं। आगे किस तरह से तीसरी वेव को लेकर तैयारी करनी है, इस पर भी लगातार काम चल रहा है। इसी बीच ये खबर जो है वो वाकई चौंका देने वाली है, क्योंकि अस्पताल से 104 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए हैं। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अस्पताल से अगर ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो रहे हैं तो फिर वहां के जो गार्ड थे वो क्या कर रहे थे, आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वहां पर क्या चोरों की तस्वीरें कैद नहीं हो पाई हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस खबर के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद के जिला संयुक्त अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो गए हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 104, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ये एक बड़ी संख्या है, 104 सिलेंडर जो कि जीवन रक्षक सिलेंडर है। आपको बता दें, कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है और कोरोना काल के दौरान इन सिलेंडर्स की खास तौर से जरूरत पड़ी थी। हालांकि इनको जिस तरीके से रखना चाहिए था उस तरीके से नहीं रखा गया, बावजूद इसके जिस तरीके से 104 सिलेंडर चोरी किए गए हैं। सीएमएस डॉक्टर संजय तेवतिया जो जिला अस्पताल है वहां पर सीएमएस है, उनके द्वारा मधुबन बापूधाम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट हालांकि दर्ज कर ली गई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली है। जिस तरीके से 104 एक बड़ी संख्या होती है, सिलेंडर भी एक बड़ा आकार में होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक झोलमोल बड़ा लग रहा है। क्योंकि अगर यू कहें कि स्वास्थ्य विभाग की और अस्पताल कर्मी अगर इस पूरे मामले में नहीं मिले हुए हैं तो इससे बड़ी संख्या में सिलेंडर कैसे चोरी हो गए, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर अगर कोई अस्पताल का ही शख्स मिला हुआ है इस पूरे मामले में, पुलिस कब तक खुलासा कर पाएगी, कब तक उन्हें बिल्कुल जितेंद्र, जो अस्पताल के बाहर या अस्पताल के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, क्या उनकी छानबीन की गई है, पुलिस क्या कह रही है, और जो अस्पताल के सीएमएस हैं जिनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि अस्पताल है, 24 घंटे खुले रहते हैं, तो गार्ड क्या यहाँ पर मौजूद नहीं थे? देखिए, बिल्कुल कहना आपका ठीक है कि यहाँ पर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, गार्ड भी मौजूद हैं। हालांकि अब जिस तरीके से एफआईआर की गई है, पुलिस किस तरीके की जांच करती है ये देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि जांच में क्या खुलासा हुआ है। फिलहाल एफआईआर कर ली गई है, 104 जो की ऑक्सीजन सिलेंडर थे जीवन देने के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया था, पीते जो आपको पता है कि सिलेंडर की काफी कमी हो गई थी और ब्लैक मार्केट भी बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी ना किसी मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर एक या दो तो कोई उठाकर ले जा सकता है, लेकिन 104 सिलेंडर चोरी करने के लिए एक बड़े वाहन की जरूरत होती है।
देखिए बिल्कुल ये कहना ठीक है, अब ये भी जांच का विषय है। हालांकि अगर 104 सिलेंडर चोरी हुए तो जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान एक दो सिलेंडर ले जाए गए होंगे और तब बड़ी संख्या अब आ की गई है कि 104 संख्या निकली है। हालांकि अगर ट्रक में अगर भर के गए हैं तो वहां लगे सीसीटीवी भी खंगाले जाएंगे, लेकिन पुलिस की अभी जांच बाकी है और जांच में ही कुछ खुलासा हो पाएगा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या के सिलेंडर गए तो गए कहां। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सीएमएस जिला संयुक्त अस्पताल से पूरे जो सिलेंडर हैं वो गायब बताए जा रहे हैं। सीएमएस लगातार रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 104 सिलेंडर जो हैं वो गायब हो चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कराई है। पुलिस किस तरह से जांच करती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि अस्पताल से इतनी भारी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे गायब हुए हैं, क्योंकि इन सिलेंडर को अगर चोर चोरी करने भी आते हैं तो एक बड़े वाहन की जरूरत होती है। क्या मेन गेट पर गार्ड नहीं थे, या क्योंकि यहां पर अस्पताल की भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा सकती है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।